सुप्रभात बच्चों, कल भाग एक में नवीन समाज के प्रणेता पाठ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि रामानुज कौन थे और किस तरह से सामाजिक परिवर्तन हुए मुगल साम्राज्य में। उस कड़ी में हम लोगों ने जाना था कि रामानुज के परम शिष्य हुए रामानंद और रामानंद के परम शिष्य हुए कबीर। कबीर के बारे में भी हम लोगों ने जानने का बहुत प्रयत्न किया है। कबीर के बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं कि कबीर एक निर्गुण के बहुत अच्छे संत थे और काव्य की परंपरा में निर्गुण का चलन उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया और उनके द्वारा बताए गए मार्ग को कबीर पंथी कहते हैं। इन्हीं सारी बातों को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को कबीर के बाद नानक के बारे में जानना है। कबीर के बाद नानक बहुत बड़े संत हुए और उन्होंने एक नई परंपरा की नींव रखी जिसको हम लोग खालसा के नाम से भी जानते हैं। सिख संप्रदाय के लोग पंजाब प्रांत में पंजाबी लोगों को सिख भी कहा जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म पंजाब में हुआ और उन्होंने जीवन भर हिंदू और इस्लाम धर्म को एक दूसरे के निकट लाने की कोशिश की। कबीर की तरह उनका भी यही विश्वास था कि ईश्वर की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के क्यों ना हो। कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन छूत है, कौन अछूत है, इन सारी भावनाओं से ऊपर उठ करके उन्होंने काम किया। नानक जी ने कहा कि ईश्वर के दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है। ईश्वर यह नहीं पूछता कि कोई व्यक्ति किस जाति या वर्ग का है, वह तो यह देखता है कि उनकी करनी क्या है, उनका व्यवहार कैसा है। अपना यह संदेश वह अधिक से अधिक लोगों को देना चाहते थे। उन्होंने यह संदेश मुसलमानों की मस्जिदों और हिंदुओं के मंदिरों में पहुंचाया। वे मुसलमानों के तीर्थ मक्का भी गए और हिंदुओं के तीर्थ वाराणसी, हरिद्वार और पुरी में भी गए। उनके शिष्यों की संख्या भी बहुत अधिक थी। गुरु नानक के अनुयायी को सिख कहते हैं। सिख शब्द
संस्कृत के शिष्य शब्द से निकला है, यानी कि सिख जो है वह शिष्य का पर्याय है। उसके बाद इसी भक्ति परंपरा में मीराबाई का भी नाम बड़ा उल्लेखनीय है और मीराबाई के भजन को भी काफी संसार में सराहा गया। मीराबाई प्रसिद्ध संत थी और भक्ति काल के कवित्री भी थी। वे राजपूत राजकुमारी थी और मेवाड़ के राजघराने में ब्याही गई थी, लेकिन उन्हें अच्छे कपड़ों या हीरे जवाहरात से कोई मोह नहीं था। वे भगवान कृष्ण के ध्यान में डूबी रहती थी, जिनके प्रति उनके मन में अगाध प्रेम था वे उनकी पूजा करती थी और उन्हीं की भक्ति के गीत रचा करती थी। वे हर समय इन गीतों को गाती रहती थी। मीराबाई के ये भजन भारत भर में गाए जाते हैं। भक्ति का संदेश देश के कोने कोने में फैल गया। इस समय देश में बहुत संत हुए। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु नाम के एक संत हुए। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर और तुकाराम ने जन्म लिया। गुजरात में दादू और नरसिंह मेहता हुए। ये सब संत जनता की भाषा में ही बोलते और लिखते थे। उन्होंने कहा कि यदि गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर मनुष्य भी ईश्वर से सच्चा प्रेम करे तो पंडित और मुल्लाओं की सहायता के बिना वह ईश्वर तक पहुंच सकता है। इस प्रकार भक्ति मार्ग ने स्वयं ही एक धर्म का रूप धारण कर लिया। इस पाठ में इन्हीं लोगों को संकलित किया गया है। ऐसे भक्ति काल के और भी कई नाम हैं जिन्होंने अपनी अपनी रचनाओं से संसार को मार्गदर्शन किया, जैसे सूरदास, रहीम और बहुत सारे पाठ के अंतर्गत इन्हीं को हमें जानना था। इसके बाद इसका प्रश्नोत्तर हम व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।